सही है, बेहतरीन। अच्छा यार, मैसेज जिसका भी आया था मैं अभी देख रहा हूँ, मैसेज मैंने देखा नहीं था, आपने से किसी का भी, जिसका भी मैसेज था मैं अभी देख लेता हूँ। जी, क्लास है यार, थोड़ा सबर तो करो। भाई क्लास तो है, लेकिन मैं यार ये भी देख रहा हूँ ना कि क्लास के साथ साथ आप लोगों को जो प्रॉब्लम है वो भी तो डिस्कस करनी है। और मैंने इसलिए वीडियो का मैंने बताना इसलिए इम्पोर्टेंट समझा है, क्योंकि मैं वीडियोस जो है अब हल्के हल्के करके जैसे जैसे अपलोड करता जाऊंगा उसी तरह से वीडियोस ग्रेजुअली मैं डिलीट भी करता जाऊंगा। तो मैं इसलिए क्लास में ये डिस्कस कर रहा हूँ ताकि कोई ये ना बोले कि सर हमें पता ही नहीं था, आप बता तो देते। अच्छा, MS ऑफिस में तुम कह रहे हो कि तुम्हारे टोटल पॉइंट्स जो है वो कितने आए हैं। सही है। चलो मैं डिस्कस कर लूंगा, ऐसे कोई मसला नहीं है। और स्टार्ट करते हैं, जो आपकी जो टॉपिक है ना, मेरे ख्याल से वो इतना कोई खास बड़ा नहीं है, बस बेसिकली कवर करने के लिए हमें ज़रूरी है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ एग्जाम्स के अंदर से आ रहा होता है, और ये कॉन्सेप्ट भी आपके लिए अगर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लास्ट क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो अच्छे हैं, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है हमारे पास। अच्छा, आज के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्या क्या है हमारे पास। हम बेसिकली करेंगे ये कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग स्क्रिप्ट सीखेंगे, ठीक है, इनलाइन और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल्स के थ्रू, ठीक है, ब्लॉकिंग देखेंगे, नॉन ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट ऑपरेशन ऑपरेशंस को देखेंगे, और डिफरेंशिएशन देख लेंगे इनके दरमियान के किस तरह से ये आपस में डिफरेंशिएट एक दूसरे को कर रहे होते हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। तो ग्रुपिंग स्क्रिप्ट क्या होता है? अच्छा, ग्रुपिंग स्क्रिप्ट के बारे में ये जरा देखो कि डेवलपर जो होते हैं वो बहुत सारी अलग अलग उनके पास जो फाइल होती है ना जावास्क्रिप्ट की, और जो कोड होता है, ठीक है, मल्टीपल फंक्शन होते हैं उसके अंदर, बहुत सारे अलग अलग इवेंट हैंडलर्स जैसे बटन के क्लिक्स के ऊपर जो फंक्शन वगैरह होते हैं, अलग अलग हैंडलर्स जो होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज बने हुए होते हैं, बहुत सारी अलग अलग फंक्शनैलिटीज बनी हुई होती हैं, और ये चीज़ें कभी कभी मांगती हैं इस बात को, इन चीज़ें हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि इन चीज़ों को ग्रुप करें, यानी ये चीज़ें आपस में ग्रुप्ड हों और अलाइंड हों एक साथ, ठीक है। तो इस काम के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग को यूज़ कर रहे होते हैं, इनको बेसिकली हम ग्रुप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ग्रुपिंग स्क्रिप्ट को ग्रुप करना हमें अलाउ करता है कि आप क्या कर सको, डिफरेंट जावास्क्रिप्ट के जो कोड है उनको मर्ज कर सके हम, ठीक है, और ताकि एक जो ग्रुप है, एक जो कोड है वो बन जाए, ठीक है। यानी लाइक से मैंने एक पूरी फाइल बनाई, उसके अंदर मैंने एक अलग फंक्शनैलिटी रखी हुई है, फिर मैंने एक और अलग फाइल बनाई, उसके अंदर मैंने एक अलग फंक्शनैलिटी रखी हुई है। तो ग्रुपिंग मुझे क्या बताती है, ग्रुपिंग इस चीज़ को अलाउ करती है कि मैं क्या कर सकूँ, मैं ये कर सकूँ कि मैं ना इन दोनों चीज़ों को जो रेलिवेंट है आपस में, लाइक से मैंने एक लॉगिन का मॉड्यूल बनाया, और लॉगिन के मॉड्यूल के साथ मैंने एक साइनअप का मॉड्यूल बनाया। लॉगिन के मॉड्यूल का मतलब क्या है, मैंने एक ऐसी फाइल बनाई जिसमें लॉगिन की सारी फंक्शनैलिटी रखी हुई है। लॉगिन की फंक्शनैलिटी में ये होता है, अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड में बात करूँ, लॉगिन की जो फंक्शनैलिटी उसमें उसमें ये होता है कि आप कुछ ऐसा फंक्शन या कोई ऐसा काम बनाते हो, ठीक है। अच्छा, मुझे बताना मेरी आवाज़ जो है बेहतर हुई या नहीं हुई, मैं जरा सा माइक की सेटिंग चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी भी सही है और अब सही है, अभी सही है आवाज़, सही अब सही नहीं है, चलो फिर दोबारा वापस कर लेता, सही अब सही आ रही होगी। हाँ, तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि हम क्या करते हैं, जब ये दोनों फाइल्स जो रेलिवेंट है, लॉगिन की बात करें तो लॉगिन का मॉड्यूल क्या होता है, लॉगिन का मॉड्यूल अगर सिंपल वर्ड में बात करें, यार मैं अभी चैट्स नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरे पास जो चैट है ना वो पीछे वाली विंडो पर आ रही है, तो ये जो हमें विंडो अभी ओपन की है इसमें चैट्स मुझे अभी अवेलेबल नहीं हो रही है, ठीक है, मुझे 2-3 मिनट दो, मैं पहले ये वाला जो पॉइंट है ये कुछ पॉइंट समझा दूँ फिर चैट पढ़ते हैं। तो लॉगिन का जो मॉड्यूल होता है वो क्या होता है, उसके अंदर सिर्फ ये लॉजिक लिखी हुई होती है कि अगर यूजर का एंटर किया हुआ पासवर्ड और यूजर का एंटर किया हुआ ईमेल या यूजर नेम जो भी वट एवर आप यूज कर रहे हो वो हमारी डेटाबेस में रखे हुए पासवर्ड और यूजर नेम से मैच कर जाए, तो आप क्या करो, यूजर को लॉग इन करने की परमिशन दे दो। ये लॉग इन के इससे रिलेटेड पूरी फंक्शनैलिटी लगी हुई है, हम इफ एल्स के थ्रू बनाते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, आमतौर पर इफ एल्स के थ्रू या डेटाबेस की कुछ पूरी क्वेरीज होती हैं उनके थ्रू चेक करते हैं, सही है। तो हमने लेट सी पूरी फंक्शनैलिटी, अभी हमें इफ एल्स, हमने डेटाबेस तो नहीं पढ़ी तो अभी हमने इफ एल्स के थ्रू बना दिया, जब हमें डेटाबेस नहीं आई होती तो हम इफ एल्स के थ्रू ये काम करते हैं, ठीक है। तो हमने लेट से इफ एल्स के थ्रू ये सारा काम कर लिया, पूरी फंक्शनैलिटी बन गई, अच्छा सा प्यारा सा पेज बन गया, और जावास्क्रिप्ट की फाइल को हमने कनेक्ट भी कर लिया इसके साथ। अच्छा, हमने फिर साइनअप का मॉड्यूल बनाया, साइनअप में क्या होता है, यूजर आता है और अपना रिकॉर्ड अपनी अपने क्रेडेंशियल्स जो है वो रजिस्टर कराता है वेबसाइट में। अब जब लॉगिन करने आएगा ना दूसरी मरतबा तो क्या होगा, इन साइनअप के जो क्रेडेंशियल्स हैं इनकी मदद से हम उसको चेक करेंगे कि भाई जो इसने वैल्यूज एंटर की थी,
आया वो वैल्यूज मैच कर रही हैं अभी वाली वैल्यूज से जो अभी एंटर किए हैं, अभी वाली वैल्यूज में जो वैल्यू है वो डेटाबेस में पड़ी हुई कोई वैल्यू से मैच कर रही है या नहीं कर रही। तो वो साइनअप का मॉड्यूल और लॉगिन का मॉड्यूल आपस में रेलिवेंट हुए, क्योंकि लॉगिन का मॉड्यूल तो बनेगा ही साइनअप की वजह से, अगर डेटा आएगा तभी तो बाद में चेक हो के मैच होगा, ठीक है। तो साइनअप का मॉड्यूल ये समझ लें कि लॉगिन के मॉड्यूल को इतनी स्पेस तो दे रहा है कि ये इतना तो ताल्लुक रखते हैं आपस में, सही है। अच्छा देन उसके बाद बात आ गई, अब इनको ग्रुप करने का मतलब क्या होगा कि आप क्या करो, दो जावास्क्रिप्ट की अलग अलग फाइल्स थी उनको एक फाइल बना के और कोड को एक साथ कर दो। रेलेवेंट कोड है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहा है ये कोड, ठीक है। तो आप क्या करो, इनको एक फाइल में रख दो। फिर क्या होता है, डेवलपर नीड्स टू फिक्स इनलाइन और एक्सटर्नल बिफोर ग्रुपिंग स्क्रिप्ट, ठीक है। अब आप क्या, आपको करना क्या पड़ता है, आपको इनलाइन और एक्सटर्नल जो फाइल्स होती हैं इनको फिक्स करना पड़ता है ग्रुपिंग से पहले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी फाइल में कोई एरर है, आपने इनलाइन यूज़ किया भाई, यानी वही स्क्रिप्ट का टैग ओपन किया वहीं पे काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। आपने ये इनलाइन कहलाता है, आपने इनलाइन काम किया भाई, ठीक है, उसमें कोई एरर है। अब आप वो एरर निकाल नहीं पा रहे, अभी आप वो एरर निकाल नहीं पा रहे और आपको, आपने सोचा यार ऐसा करता हूँ कोड बहुत ज़्यादा हो गया दूसरी फाइल में भी और ये वाले जो मैंने यहाँ पे काम किया इसमें भी, ऐसा करता हूँ कह रहा मैं लेट्स सी इसको ग्रुप कर देते हैं। तो अभी जब आपका एरर यहाँ पे आपको 300 लाइंस के अंदर आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब आप दो तीन कोड्स को मिलाएंगे ना तो क्या होगा, फिर वो 3000 लाइंस में बदल जाएगा। तो 3000 लाइंस में अपना एरर तलाश करना, उसकी उसके मसलों को हल करना मुश्किल होगा। बेहतर यह है कि आप क्या करो, इट्स बेटर कि आप 300 लाइंस के अंदर इसको कवर करके और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा यार, मैं पीछे का जो मैसेज है वो पढ़ लूँ। सही, अच्छा, तो इसका मतलब आप ये समझ गए कि भाई हमें क्या करना होता है, जो इनके एरर्स या जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं, इनके इश्यूज हैं, हम फिक्स कर लेने चाहिए इनको मर्ज करने से पहले। इसके बाद डेवलपर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ दी इनलाइन एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल्स वेयर इट कैन बी यूटिलाइज, यानी आपको इस बात का पता होना चाहिए कि किस फाइल को आपने मर्ज करना है, किस फाइल को किस फाइल के साथ मर्ज करना है, किस फाइल को किस फाइल के साथ आपने रेलेवेंसी देनी है, या कौन सी फाइल से मिलती है, ठीक है, कौन सी फाइल किस फाइल के साथ मर्ज होनी चाहिए। यानी अगर आप चार फाइल्स हैं आपके पास जावास्क्रिप्ट की, लेट्स से आपने 10 फाइल्स बनाई हैं, आपके पास हर फाइल में अलग अलग फंक्शनैलिटी है, किसी फाइल में लॉगिन का मॉड्यूल है, किसी फाइल में आपने कोई डाटा प्रिंट कराना है उसका मॉड्यूल है, किसी फाइल में साइनअप का मॉड्यूल है, किसी फाइल में कोई मॉड्यूल है, किसी फाइल में लेट्स से कोई और मॉड्यूल है, किसी फाइल में आपने कोई एक काम छोटा सा किया हुआ है, ठीक है, यूजर से कुछ नेम वगैरह लेकर उनको सिंपल कुछ रिजल्ट प्रिंट कराया हुआ है, किसी फाइल में वो काम है। अब जो आपको लगता है कि ये दो फाइल आपस में मैच करके इनका काम मिलता जुलता है, ठीक है, कल को अगर मैं फाइल्स मिलाऊंगा और इसमें कोई इश्यूज भी आते हैं तो मैं इन दोनों की जो यूटिलाइजेशन है ना इसको ज़रा बेहतर कर सकता हूँ। अब आपने लॉगिन का मॉड्यूल बनाया, साइनअप का मॉड्यूल बनाया, इनको एक फाइल में कर दिया, और आपने ना इंटरनल जावास्क्रिप्ट या जिसे एक और एक जिसे कहते हैं वो क्या, आपकी इनलाइन जावास्क्रिप्ट, तो आपकी जो इनलाइन जावास्क्रिप्ट है ना, जो आपने स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करके और बस वो जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है एचटीएमएल के टैग में, वो आपने इनलाइन जावास्क्रिप्ट की है। अब आपने कहा यार ये वाली जो इनलाइन जावास्क्रिप्ट है अगर मैं इसको जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल में रखूँ तो ज़्यादा बेटर है, बस आपको ये देखना है कि वो जावास्क्रिप्ट की फाइल में जो आप रखने जा रहे हो इस फाइल में कोई एरर तो नहीं है, जो आप स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जो सारा कोड है वो जो आप वहाँ रखने जा रहे हो उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपके यहीं पर ही एरर्स हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये कोड जो है आपस में मिलता ही नहीं है, यानी वहाँ बिल्कुल ही अलग फंक्शनैलिटी है जो कि लॉगिन और साइनअप की है, और आप फंक्शनैलिटी कौन सी डाल रहे हो, आप डाल रहे हो डेटाबेस से डाटा लाने की या डेटाबेस से डाटा देने की, या फर्ज करो यूजर ने कोई काम किया है उसका डाटा जो है ना आपको चेंज करना है उसकी फंक्शनैलिटी रख रहे हो। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि यूटिलाइजेशन जो है ना इन दोनों चीज़ों की इसकी आपने ज़रा सी कोशिश करनी है कि बेहतर हो। अच्छा फिर ये इनलाइन जावास्क्रिप्ट बता रहे हैं आपको कि किस तरह से और इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप उसके बारे में जो बातें हैं वो बता रहे हैं आपको, ठीक है। द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इज एम्बेडेड विद इन द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ये कौन सा कोड होता है जो एग्जीक्यूट होता है और ये कहाँ पर होता है, एम्बेडेड होता है एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में, यानी एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में ही ये लिखा हुआ होता है जो मैं स्क्रिप्ट की टैग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट मेड बाय द पेज टू द वेब सर्वर विल डिक्रीज इनलाइन, जब आप इनलाइन जावास्क्रिप्ट कर रहे होगे ना तो एक एचटीएमएल का पेज रिक्वेस्ट करता था, फिर उस एचटीएमएल के पेज से रिक्वेस्ट जाती थी जावास्क्रिप्ट के लिए,
तो ये दो रिक्वेस्ट हो गई। लेकिन अब क्या होगा, अगर आप यहीं पे काम करो स्क्रिप्ट के टाइप के साथ ही, तो क्या होगा, रिक्वेस्ट एक कम हो जाएगी। तो अगर इनलाइन जावास्क्रिप्ट में काम करोगे तो क्या होगा, रिक्वेस्ट की तादाद जो है वो अब कम होने लगेगी। अलग से फाइल यूज करोगे तो क्या होगा, हर फाइल के लिए, लेट से एक फाइल में बस 3 लाइन के कोड के लिए आपको डेटा, यानी पूरी फाइल चलानी पड़ेगी, उसकी पूरी रिक्वेस्ट जाएगी 3 लाइन के कोड के लिए, अलग एचटीएमएल से रिक्वेस्ट जाएगी। फिर आपने नीचे पेज डाउन किया तो एक और फंक्शनैलिटी लिखी हुई है जिसका, जिसकी कनेक्टिविटी क्या है दूसरी फाइल में, ठीक है, उसके लिए अलग रिक्वेस्ट जाएगी। लेकिन अगर इनलाइन कोड करोगे तो क्या होगा, उसकी रिक्वेस्ट, उसके लिए जो रिक्वेस्ट है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, वो कम से कम होगी, एक ही साथ सारी की सारी रिक्वेस्ट चली जाएंगी। जो फंक्शन आप चला लोगे डायरेक्टली उसी की जाएगी, उसके अलावा किसी की नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट में कर रहे हो तो फिर मल्टीपल चीज़ों की रिक्वेस्ट जाएगी, सही है। अच्छा जी, इसके बाद टाइम गेट्स रिड्यूस्ड फॉर डिस्प्लेइंग द कंटेंट टू द यूजर, जो टाइम है वो कम होता है। जाहिर है इनलाइन जब करोगे तो जो कोड है वो कहीं से मंगवाना नहीं पड़ता, फाइल लोड करनी नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि फाइल कनेक्टेड होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है आप सर्वर पे रखे होते हो, आपने डेटा सर्वर पे रखा हुआ, वेबसाइट आपकी अब सर्वर पे, तो आपको क्या करना पड़ता है, कभी कभी वेट करना पड़ता है कि यार फाइल जो है ना अभी लोड नहीं हो रही। कभी कभी आपने देखा होगा आप लोग वेबसाइट्स के ऊपर जाते हो और किसी बटन पे क्लिक करते हो और आपको तो लगता है कि कोई चीज़ शो होने वाली है, यानी किसी बटन पे आपने क्लिक करना है और नीचे कोई डाटा आपसे, आपके पास शो होगा और फिर लिखा हुआ आता है फाइल क्रैश या फाइल नॉट फाउंड या डाटा नॉट फाउंड। तो इस तरह की बातें तब होती हैं, इस तरह की जो एक्सेप्शन या एरर्स आते हैं तब आते हैं जब आपकी फाइल्स को, जब आपकी फाइल्स नहीं मिल रही होती सही से, ठीक है, किसी को फाइल नहीं मिल रही होती, जब आपकी फाइल्स, आपकी HTML की फाइल को आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं मिल रही होती। तो इनलाइन सीरीज के अंदर, इनलाइन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, इनलाइन जावास्क्रिप्ट के अंदर क्योंकि उसी फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट कॉल्ड होती है तो डायरेक्टली फाइल जो है वो कॉल्ड हो जाती है और कम टाइम लगता है। एग्जीक्यूशन ऑफ कोड इज इमीडिएट इन केस ऑफ एन इनलाइन जावास्क्रिप्ट फाइल। इनलाइन जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर क्या होता है, जो एग्जीक्यूशन होती है कोड की वो ज़रा सा फास्ट होती है। एक्सटर्नल फाइल के अपने फायदे हैं, इनलाइन के अलग अपने फायदे हैं, ठीक है। अब देखो, दी एक्सटर्नल फाइल कैन बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम एनी वेयर इन दी HTML कोड, जाहिर है, जबकि इनलाइन जावास्क्रिप्ट तो इस तरह नहीं हो सकती होगी ना, ठीक है। इनलाइन जावास्क्रिप्ट के अंदर फिर आपको देखना पड़ता है कि यार मैंने इसका कोड ऊपर नहीं किया हुआ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जावास्क्रिप्ट सीक्वेंशियली रन हो रही होती है, ठीक है। अगर नहीं बताया तो एक मतलब सुन दिया, अगर याद नहीं है जावास्क्रिप्ट का कोड क्या होता है, सीक्वेंशियली रन हो रहा होता है। अगर ऊपर लिखा हुआ है कोड, ठीक है, लेट्स से टॉप पे लिखा हुआ है पेज के स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो क्या होगा, जो लास्ट के जो HTML के टैग्स है ना वो उसको कॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो ऊपर जावास्क्रिप्ट लेट से कॉल हो गई, ठीक है। और HTML जब यहाँ पहुंची तो अब तो वो कोड है ही नहीं, या लेट से कोड बहुत नीचे है और मैं HTML के बटन पे प्रेस कर रहा हूँ वो अभी ऊपर ही है, तो क्या होगा, कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो फिर पूरी फाइल एग्जीक्यूट होती है, तो आपको कहीं भी आप HTML के अंदर कॉल करा सकते हो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को। इसके अलावा डेवलपर्स कैन यूज एन एक्सटर्नल कोड स्टोर्ड इन अ JS फाइल, दूसरे डेवलपर आपका कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दी वेबसाइट टेक्स एडिशनल टाइम टू लोड एन एक्सटर्नल, बस ये वाली बात देखो, यहाँ पे लिखा हुआ था कि टाइम जो होता है वो टाइम गेट्स रिड्यूस, ये देखो टाइम गेट रिड्यूस, और वहां पे क्या है, कुछ एडिशनल टाइम आपको लगता है, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल टाइम लगता है। To maintain the load speed, a developer can reduce the number of JavaScript files. हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आप ये चाह रहे हो कि आपकी जो साइट है, जो आपकी वेबसाइट है, उसका लोडिंग टाइम जो है वो कम हो जाए, तो आप क्या करो, अगर आप दो फाइल्स बनाते थे तो आप दोनों का कोड एक ही फाइल में कर दो, और अब आप क्या करो, एक फाइल से काम करो, तो क्या होगा, लोडिंग टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अच्छा, अब देखो लिखा हुआ है बैलेंस बिटवीन रिक्वेस्ट एंड कैशेबिलिटी, ठीक है। यार इंटरनेट की स्पीड, हाँ इंटरनेट की स्पीड में भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर कुछ सोचो, एक तुम्हारे पास कनेक्शन है जिससे इंटरनेट की स्पीड आ रही है 1 MB, ऐसा ही है। अब फर्ज करो 1 MB तुम्हारे इंटरनेट की स्पीड है और 1 MB की तुम्हारी फाइल है, तो 1 MBPS का मतलब क्या होता है, 1 MB/s, यानी उसने 1 MB की फाइल पर सेकेंड तो डाउनलोड कर ली, अपने ब्राउजर पर लोड कर ली, लेकिन अब तुम्हारे पास 1 MB की, 1 MB की 3 फाइल्स हैं, मिसाल है, ठीक है, 1 MB की 3 फाइल्स है, तो क्या होगा, हर पहले एक फाइल लोड होगी, फिर दूसरी फाइल लोड होगी, फिर तीसरी फाइल लोड होगी, सही है। सर्वर पे जाओ, कल हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल्स कैसे लोड होती हैं, सोर्स टू सोर्स लोड होती हैं। जो कंपाइलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सोर्स टू सोर्स फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, तो फाइल्स क्या होती हैं, सोर्स टू सोर्स, यानी पहले एक फाइल, फिर दूसरी फाइल, देन तीसरी, देन थर्ड,
एक की सोर्स, दूसरी, थर्ड, फोर्थ की सारी सोर्सेज अलग अलग। लेकिन अगर तुमने 3 MB की एक ही फाइल बना ली तो क्या होगा, एक ही मरतबा में पूरी फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। और इंटरनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन आपकी फाइल पर भी डिपेंड करता है। अब जो 3 सेकंड में 3 फाइल्स हो रही थी, या हाँ बिल्कुल 1 सेकंड में अगर 1 MB, 3 सेकंड में 3, जल्दी आ जाए सब लोग। अच्छा भैया, मेरे ख्याल से सब आ गए होंगे। ठीक है, तो मैं जो बात कर रहा था कि अगर आप 3 MB की 3 अलग अलग फाइल्स बनाओगे, या 1 MB की एक फाइल मजीद, 1 MB की एक और फाइल, 1 MB की एक और फाइल, तो क्या होगा, इंटरनेट उसको, यानी आपका जो कंपाइलर है ब्राउजर का, वो एक एक फाइल करके कंपाइल करेगा। लेकिन अगर तो 3 सेकंड लगेंगे, लेकिन अगर क्या करोगे, चलो 3 सेकंड लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि कंपाइलर भी तो अपना टाइम लेगा ना। बेशक फाइल के लोड होने का टाइम या ए फाइल 1 MB की है, लेकिन कंपाइलर कुछ कुछ मिली सेकेंड्स तो लेगा ना। ये जो कुछ मिली सेकेंड होते हैं ना, ये छोटी छोटी फाइल्स करके, जब आपकी फाइल्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर फ़र्क लेकर आते हैं, ये डिफरेंस लेकर आ रहे होते हैं, अच्छा बड़ा फ़र्क लेकर आ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस जो आपका फ़र्क होगा या जो डिफरेंस होगा वो छोटा सा होगा, बस मिली सेकेंड्स का होगा, नहीं, फिर वेबसाइट्स की जो लोडिंग होती है वो ओवरऑल गिनी जाती है, तो ओवरऑल टाइम के अंदर डिफरेंस आता है। सही है। अच्छा, अब बैलेंस बिटवीन रिक्वेस्ट एंड कैशेबिलिटी, तो भाई व्हेन एन इनलाइन जावास्क्रिप्ट, ये इन दोनों चीज़ों का देख लो, व्हेन एन इनलाइन जावास्क्रिप्ट कोड इज एम्बेडेड, ठीक है, नो एडिशनल रिक्वेस्ट आर मेड टू द जावास्क्रिप्ट रिसोर्सेज स्टेज एक्सटर्नली, ठीक है, कहीं पे एक्सटर्नली रिक्वेस्ट नहीं जा रही होती, कोई एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट नहीं जा रही होती, जिससे जितना डाटा मैंने कहा है उतना डाटा पर रिक्वेस्ट जारी होती है, जितना मैंने कोड किया था उस पर रिक्वेस्ट जारी होता है, एक्स्ट्रा जो डाटा है वो मुझे उसकी रिक्वेस्ट नहीं जा रही होती, ठीक है, ऐसा नहीं होता पूरी एक्सटर्नल फाइल पे रिक्वेस्ट जाए, बस उतना ही कोड जितना मैंने यहाँ लिखा है उस पर रिक्वेस्ट जाएगी, उसका ही काम करूंगा और देन खत्म कहानी, ठीक है। फिर इफ अ जावास्क्रिप्ट फाइल इज बल्की एंड इज नॉट चेंज टू फ्रीक्वेंटली, सही है, द फाइल शुड बी स्टोर्ड एज एन एक्सटर्नल फाइल। अब अगर तो ऐसा मसला है कि जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो मुसलसल चेंज ना की जा रही हो, ठीक है, और उसके अंदर चेंजेस ना आ रहे हो और फाइल अच्छी हैवी है, तो क्या करो, उसको एक्सटर्नली स्टोर करो, ठीक है, यानी वही अलग से फाइल बनाकर उसमें काम करो, ये ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर ज़्यादा काम हो और आप चेंज नहीं कर रहे हैं मुसलसल, तो द नंबर ऑफ एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल्स शुड बी लिमिटेड, कोशिश करें कि आपकी जो एक्सटर्नल फाइल्स हैं वो लिमिटेड हों, कम से कम हो, ठीक है। इफ देयर इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिक्वेस्ट मेड टू एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल्स इन एन HTML कोड, ठीक है, these external files are also cached by the web browser. अभी cached मैं cached पढ़ता हूँ, लेकिन आप लोग जिस तरह से भी पढ़ सकते हो, मसला नहीं है, cache basically हम कहते हैं, ठीक है, लेकिन ed के साथ मैं cached पढ़ता हूँ, सही है। तो ये मुझसे ये कह रहा है कि भाई देखो, if there is a number of जो हमारे number of scripts हैं, ठीक है, जो कि external scripts हैं, ठीक है, और किसी भी HTML के अंदर जो रिक्वेस्ट पड़ती हैं external scripts की, ठीक है, वो कैश्ड भी हो सकती हैं, देखा यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर ऑल्सो फाइल्स आर ऑल्सो कैश्ड बाई दी वेब ब्राउजर, यानी ऐसा होता है कि एक मिसाल अगर लें, लेट्स से जावास्क्रिप्ट की 10 फाइल हैं, ये 3 फाइल्स हैं, यहाँ पे देखो ये जावास्क्रिप्ट की 3 फाइल्स हैं,
ये व्हाइट कलर का जो बॉक्स है ना मेन, इसको अभी मैं जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, लेकिन मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। ये व्हाइट कलर का मेन बॉक्स है मेरा जो ब्राउजर है, ये मेरी हर फाइल को डाउनलोड कर रहा है हल्के हल्के। तो ये क्या करता है, अपने अंदर इसको सेव कर लेता है। कैश का मतलब क्या होता है, इनकी जो इनका जो काम है ना, वो अपने अंदर कुछ टाइम के लिए सेव कर लेता है। जब तक आप इसको दोबारा से रिफ्रेश ना करो, ये कुछ टाइम के लिए इसको सेव कर लेता है, ताकि आप रिफ्रेश करो तो दोबारा से फाइल आपकी वापस चली जाए। ठीक है, रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एक्सटर्नल फाइल्स फ्रॉम द ब्राउजर बाई लिमिटिंग द नंबर ऑफ एक्सटर्नल स्क्रिप्ट। ठीक है, अगर आप एक्सटर्नल स्क्रिप्ट को लिमिट करोगे ना, कुछ कह रही हैं आप, किसी ने हैंड रेज किया, आई थिंक अमसा ने किया है, नहीं किया है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जो आपका जो टाइम है वो रिड्यूस होगा, अगर आपकी एक्सटर्नल फाइल्स जो है वो कम होंगी। जैसे अगर आप दो एक्सटर्नल फाइल्स में काम कर रहे थे, अब आप कोशिश करो कि अगर आपका कोड कम हो गया है, आपकी फंक्शनैलिटी जो है वेबसाइट की कम हो गई है, तो आप एक कर दो से। ठीक है, ये चीज़ें टाइम टू टाइम भी अपडेट करते रहनी चाहिए इंसान को। अच्छा, रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सटर्नल फाइल्स बाय कॉन्केटिनेटिंग सेवरल एक्सटर्नल फाइल्स इनटू अ सिंगल फाइल, यानी आप बहुत सारी फाइल्स को कॉन्केटिनेट करो। ठीक है, एक ही फाइल के अंदर, तो क्या होगा, ये भी नंबर ऑफ फाइल्स को कम करता है। ठीक है, यानी कॉन्केटिनेट का मतलब पूरा कोड आप क्या करो, ले आके लाके यहाँ पे लिख दो, तो क्या होगा, यानी दो फाइल्स को आप एक कर दो, तो क्या होता है, ये भी काम एक्सटर्नल फाइल्स की जो तादाद है उसको कम करता है। सही है, इसके बाद बैलेंस बिटवीन रिक्वेस्ट एंड कैश एबिलिटी, इसको पढ़ लेते हैं। टू कॉन्केटिनेट सिविल फाइल्स विद डिफरेंट कोड कॉपी एंड पेस्ट कोड, देखो मैं ये कह रहा था, प्रेजेंट इन ऑल जावास्क्रिप्ट फाइल्स इनटू अ सिंगल फाइल, यानी वही कि आप सारी फाइल्स को एक कर दो, सारा जो कोड है वो एक फाइल में आ जाएगा। मीटिंग लीव नहीं करो यार, अगर खुद से हो रही है बाय मिस्टेक, लाइट से प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर चलो खैर है, खुद से अगर बगैर इंटरनेट की प्रॉब्लम के करो तो फिर ना करो, बेहतर है, और अगर इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, खैर। ठीक है, अच्छा, एट द टाइम चेक द सीक्वेंस इन विच द कॉन्केटिनेटेड कोड इज प्लेस्ड। बस ये देखना है कि आपका जो सीक्वेंस है वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे, यानी कल को अगर आप कोड में एडिटिंग करने बैठो, कोई चेंजेस आपने करनी हो, तो आप मुश्किल में ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। सही है, इस बात का बस आपने ध्यान रखना है। इसके बाद, इफ अ फंक्शन और पार्ट ऑफ कोड इज कॉल्ड विदाउट डिफाइनिंग द फंक्शन, देन द रिजल्ट वुड बी एन एरर, सच एरर्स आर हार्ड टू डिबग। अब जब आप एक एक आपने एक लार्ज फाइल बना ली, जो कि दो तीन फाइल्स में से जो कोड था वो आपने कॉपी किया और उसको पेस्ट करके आपने इस तरह ये वाली पूरी कमांड फॉलो की, आपने कहा कि सर आपने ही कहा था कि सिंगल फाइल के अंदर रखो तो फिर वो जल्दी लोड होगी, अलग अलग फाइल्स को लोड होना के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी तो उनका लोड होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, एक फाइल को लोड करोगे तो कम टाइम लगेगा। ठीक है, अब मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन मैंने फंक्शन यूज़ कर दिया इस फाइल के अंदर जो दूसरी फाइल में डिफाइन था, इसमें डिफाइन ही नहीं था। ठीक है, वो काम ही नहीं हो रहा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं कहूँगा यार, कोशिश करो कि अगर सबको एक कर दिया है ना, तो फिर कोई और फाइल ना बचे जावास्क्रिप्ट की, कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो कोड किया था उसमें से पूरा कोड कॉपी पेस्ट नहीं किया। आपने अगर करना है तो पूरा का पूरा कोड करना है। ठीक है, सारे कोड के साथ मिलाना, ऐसा नहीं है अभी कुछ कोड आपने छोड़ा, आपने कहा कि इसकी मैं अलग ही फाइल रखूंगा, तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम कुछ फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, बना देते हैं, उनमें काम नहीं करते। ठीक है, तो ऐसा ना हो, आपने जो फंक्शन डिफाइन किया है उसी को यूज़ करोगे, कोई ऐसा फंक्शन ना यूज़ करो जिसे आपने डिफाइन ही ना किया हो। ठीक है, यानी फंक्शन ऐसा यूज़ करो जिसे बनाया है, ऐसा फंक्शन ना यूज़ करो, ट्राई भी ना करो जो आपने बनाया ही नहीं है, या जो आपने डिफाइन सही से नहीं किया हुआ, तो फिर क्या होते हैं, एरर्स आते हैं, और ऐसे जो एरर्स होते हैं ना, वो मुश्किल से डिबग किया जाता है, यानी मुश्किल से पकड़े जाते हैं। ऑनलाइन टूल्स फॉर, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर एक मिनिफायर दिखाया था। ठीक है, तो ये मिनिफाइंग और मर्जिंग वाला जो काम है ना, वो यहाँ पे हो जाता है, आप लोग कर सकते हो। मर्जिंग वाला काम खुद से भी कर सकते हो, ज़्यादा बेहतर खुद है। ठीक है, इसको ना देखो तो मसला नहीं है, खुद से करो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप इन लिंक्स को यूज़ कर सकते हो, उससे क्या होता है आपके पास ये फाइल नहीं मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, ग्रुपिंग और कॉन्केटिनेटिंग जावास्क्रिप्ट हेल्प्स इन डिक्रीजिंग लोड टाइम, बिल्कुल हमने इतना सारा अभी इतना सारा तो पढ़ा है कि आपके लोड टाइम को इंक्रीज डिक्रीज करती हैं ये। ठीक है, तो लोड टाइम है वो कम से कम होता है, और इसके अलावा आपकी हेल्प करती होती हैं कि जो कम लोड टाइम वाली वेबसाइट होती हैं वो क्या करती हैं, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रही होती हैं। अच्छा, ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट ऑपरेशन। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट अगर देखा जाए, जावास्क्रिप्ट ऑपरेशन इज़
कैटेगराइज एज अ ब्लॉकिंग ऑपरेशन और एंड एज नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन. ठीक है, जावास्क्रिप्ट के जो ऑपरेशन होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है. ब्लॉकिंग ऑपरेशन क्या होता है भाई, इट वेट्स. कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं, कुछ ऑपरेशन का मतलब होता है कुछ प्रोसेस जो होता है, हमने कल बात भी की थी. ठीक है, इट वेट्स फॉर द प्रोसेस टू एग्जीक्यूट अंटिल एन इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन. आई स्लैश हो जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन इज कम्प्लीटेड. यानी जो ब्लॉकिंग वाला जो काम होता है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है कि मेरी जो फाइल होती है, मेरा जो कोड होता है, अभी जितना हो गया ना उसके बाद वो वेट करेगा कि अगला कोई काम ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर इनपुट या आउटपुट का कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो. ठीक है, जब तक वो कम्प्लीट नहीं होता आगे की जो चीज़ें होती हैं, आगे का जो कोड होता है वो परफॉर्म नहीं होता. फिर नॉन ब्लॉकिंग की बात करते हैं, तो भाई इट डज नॉट वेट फॉर एन इनपुट और आउटपुट जो ऑपरेशन है या जितनी भी चीज़ें, उसके एग्जीक्यूशन का वेट नहीं करता, ये बस एग्जीक्यूट हो जाता है. ये किसी चीज़ का वेट नहीं करता कि कोई चीज़ कोई इनपुट और आउटपुट के फंक्शन जो है वो परफॉर्म किए जाएंगे. ठीक है, हाँ बिल्कुल बोरिंग टॉपिक है यार, आज का टॉपिक इतना बोरिंग नहीं है मेरे ख्याल से. कल का टॉपिक था बोरिंग, बट आई डोंट थिंक सो कि आज का टॉपिक तुम बोर कह रहे हो. है मुझे ये थोड़ी देर में खत्म होगा, आधा हो गया, आधा हो गया, आधा रह गया ये. ठीक है, मेरे ख्याल से आज का टॉपिक तो इतना मुश्किल नहीं है ना, इतना बोरिंग है यार वो. बस आई थिंक आज का टॉपिक तो मजेदार है, आसान है. हमने जितना भी पढ़ा है वो उसकी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि इन चीजों को मैनेज कैसे करना है. यार रोजे से मेरा भी है, मेरा भी रोजा है, मैं भी रात में पूरी जागा हूँ भाई. अल्लाह अल्लाह क्या हो गया है नौजवानों का हमारे. नोड जेएस, अच्छा नोड जेएस के बारे में देखते हैं. नोड जेएस के बारे में थोड़ा सा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, लेकिन बहुत कोई ज्यादा डिटेल में नहीं किया था. ठीक है, नोड जेएस बेसिकली सर्वर पे इंस्टॉल होती है, लास्ट क्लास में इसको बताया था मैंने. ठीक है, थोड़ा सा और देख लें यहाँ पे, थोड़ी सी इसकी बेसिकली इन्होंने थोड़ा सा और डिफाइन किया हुआ है. तो क्रॉस प्लेटफॉर्म रन टाइम एनवायरमेंट है. ठीक है, क्या कर रहा होता है, कुछ सर्टेन जावास्क्रिप्ट के जो फीचर्स हैं वो बिल्ट इन जो प्रोवाइड कर रहा होता है. अब नोड के जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं करते इनपुट और आउटपुट डायरेक्टली. ठीक है, प्रोसेसिंग होती है इसके अंदर सिंपल जो अनइंटरप्टेड होती है. सही है, एज देयर आर नो ब्लॉकिंग नोड्स फंक्शंस प्रूव टू बी एक्सटर्नली इफेक्टिव इन डेवलपिंग स्केलेबल सिस्टम. ठीक है, तो इसके अंदर कोई इनपुट और आउटपुट का सीन नहीं होता डायरेक्टली, बाकायदा इसके अंदर कोई इनपुट और आउटपुट का सीन नहीं होता, जावास्क्रिप्ट के ही थ्रू करते हैं. इसमें सिर्फ कुछ बेसिक फंक्शन या लाइब्रेरीज वाला जो काम कह सकते हैं ना, वो फीचर्स मौजूद होते हैं जावास्क्रिप्ट के. सही है, और कॉल बैक की बात अगर करो तो कॉल बैक का क्या सीन है कि भाई ये एसिंक्रोनस फंक्शन है. ठीक है, विच मीन्स कि फंक्शन कैन हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम. यानी ये क्या करता है, ये मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है एक वक्त में. ठीक है, सच फंक्शन आर कॉल्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ अ स्पेसिफाइड टास्क. यानी कोई स्पेसिफाइड टास्क है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक ये कंप्लीट नहीं होते. APIs ऑफ नोड जेएस आर प्रोग्राम्ड इन सपोर्ट कॉल बैक फंक्शन. ठीक है, APIs ऑफ जो नोड जेएस की जो APIs हैं वो प्रोग्राम की जाती हैं इसको सपोर्ट करने के लिए. ठीक है, और कॉल बैक फंक्शन को एक्सटेंसिवली यूज कर रही होती हैं. ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं. अयान फिर तुम बोलोगे सर ने कुछ पढ़ाया नहीं, मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा. तो पेपर में आएगा ना, फिर तुम बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं, ये तो ये आ गया वो आ गया, फिर क्या करूंगा मैं. अच्छा जी, ब्लॉकिंग. तो ब्लॉकिंग मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ एन एडिशनल जावास्क्रिप्ट. ठीक है, टू द कोड एग्जीक्यूशन मस्ट वेट अंटिल द नॉन जावास्क्रिप्ट ऑपरेशन कंप्लीट. ठीक है, तो ब्लॉकिंग का मतलब क्या है, ब्लॉकिंग का मतलब ये है कि एग्जीक्यूशन किसी भी एडिशनल जावास्क्रिप्ट का जो कोड है. ठीक है, एडिशनल जावास्क्रिप्ट जो है उसकी कोड के अंदर उसकी एग्जीक्यूशन होना, लेकिन ये जो एग्जीक्यूशन है ये वेट करेगी, इसको वेट करना पड़ेगा किसी भी एक्सटर्नल जो नॉन जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, कोई भी ऑपरेशन है, जब तक वो कम्प्लीट नहीं होता. यूजुअली सिंक्रोनस मेथड इन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ नोड जेएस एंड जो लिब्यू है. ठीक है,
और कॉमन ब्लॉकिंग ऑपरेशन है, ये कुछ नाम्स हैं बेसिकली, नेम्स हैं, ठीक है। सिंक्रोनस मेथड हो गया, इस तरह की जो टर्म्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं, ठीक है। द ऑपरेशन ऑफ रीडिंग अ फाइल इज अ सिंगल थ्रेड ऑपरेशन एंड शुड बी एग्जीक्यूटेड फुली बिफोर अनदर फंक्शन कैन टेक प्लेस। होता यह है कि यहाँ पर अगर लेट से आप कोई इनपुट, कोई कोई इनपुट भी ले रहे हो ना, कोई रीड भी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को, किसी फाइल को रीड भी कर रहे हो, तो क्या होता है वो एक अलग फंक्शन कंसिडर किया जाता है, सही है। उसको ऐसा नहीं करते कि वो और उसके साथ और कोई फंक्शन मिलाकर ये एक कर दें, नहीं, हर अलग अलग चीज़ को अलग अलग फंक्शन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। व्हेन अ थ्रेड इनवोक्स एन ऑपरेशन सच एज रीड और राइट, देन सच अ थ्रेड रिमेन ब्लॉक, ठीक है, अंटिल भी रिस्पॉन्स जो भी मेरा रिस्पेक्टिव फंक्शन है ये जब तक हो ना जाए, ठीक है। हाँ मैं यार ये टॉपिक परफॉर्म कर नहीं सकता, मैं जो आप लोगों को जावास्क्रिप्ट पढ़ा चुका हूँ ना, मैं नोड जेएस यहाँ पे परफॉर्म कर नहीं सकता, उसको डाउनलोड होने में 1 से 1.5 घंटा लगता है, सिर्फ डाउनलोड होने में ना उसका काम, अगर इंटरनेट अच्छा चल रहा हो। अच्छा, जो हमने पढ़े हैं और जो मैं बता रहा हूँ कि मैं पिछले कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर लेकर आ रहा हूँ, परफॉर्म करते हुए ये चीज़ें पहले पढ़ लेते, ये कह रही है, ये कह रहे हो यार, मसला ये होता है ना कि उस टाइम पे मैं बता तो रहा होता हूँ लेकिन वो ये थ्योरी कवर मैं कर तो रहा होता हूँ लेकिन हाँ ये वर्ड्स में यूज़ नहीं कर रहा होता। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि यार जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को मैनिफाई किस तरह किया जा सकता है, ये मैं ऐसे वाला भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन कल मैंने मजीद इसको दिखा भी दिया और मैंने उसको तुम्हें यही बता दिया कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। फिर जावास्क्रिप्ट की फाइल्स मर्ज करना, मैं तुम लोगों को पहले से पता है कि किस तरह से दो फाइल्स को मर्ज किया जा सकता है, लेकिन हमने सिर्फ 2 लाइन की जो रीडिंग थी वो कर ली कि यार कॉपी पेस्ट करके मर्ज किया जा सकता है, हालांकि मेरे ख्याल से पढ़ने वाली बात नहीं थी, सिर्फ मेरा मकसद ये है कि ये जो टॉपिक्स हैं ना इनकी थ्योरी पढ़ के तुम जो अपना एग्जाम है ना वो क्लियर कर लो, इनकी कॉन्सेप्ट तुम लोगों को थोड़ा 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 पहले दे चुका हूँ। हाँ, जो नोट जे एस और कल जो हमने टाइप स्क्रिप्ट वगैरह पढ़े थे वो मैं तुम लोगों को पढ़ा नहीं सकता क्योंकि उसका मसला ये है, यानी वो मैं तुम लोगों को इतना प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा सकता क्योंकि उसका मसला ये है कि वो तो फ्रेमवर्क की डाउनलोड होने में ना मुझे 2-2 2.5 घंटे लग जाते हैं, अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी ये जो लैपटॉप है मेरा बिल्कुल फ्रेश हुआ है, विंडोज़ के अंदर बिल्कुल फ्रेश हुई है, काफ़ी कम चीज़ें मेरे पास अभी इस पर इंस्टॉल्ड है, अभी मैं अगर करने बैठूंगा इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ये कोई नहीं है, ये बिजनेस है और इनका ये मसला है। अरे नहीं, वो तो मसला नहीं है, नहीं, वो मसला नहीं है कि रोज़ा है मेरा, मैं तो यार मैं तो सुकून से पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये टॉपिक्स थोड़े से ऐसे ही खुश्क हैं, मैं खुद इस बात को एडमिट कर रहा हूँ, टॉपिक्स थोड़े से खुश्क हैं, और अगर पहले पढ़ा मैं पहले अगर ये टॉपिक्स पढ़ा देता या जब मैं इनके प्रैक्टिकल्स करा रहा था, मैं जब इनकी थ्योरी भी पढ़ा देता तो फिर उस टाइम पर तुम लोग बोर होते, क्योंकि मैं यार खुद भी हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं पहले ये टॉपिक तुम लोगों को पढ़ा देता ना, या मैं इनकी इनका प्रैक्टिकल कराते हुए तुम लोगों को इनकी थ्योरी करा देता, तो ये टॉपिक जितने तुम लोगों ने उस वक्त पढ़े हैं ना, जितने समझ के मेरे ख्याल से उस वक्त तुम लोग इतने समझ के टॉपिक्स नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उस वक्त मैं खुद भी यूनिवर्सिटीज का स्टूडेंट रह चुका हूँ ना, मुझे पता है यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह पढ़ाया जाता है, या किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ थ्योरी के साथ पढ़ते हैं तो मुझे पता है वहाँ पर किस तरह पढ़ता है इंसान और कितना इंटरेस्ट होता है उन चीज़ों के अंदर। मैं अभी भी इवन इस बात से शायद हूँ, मैं अभी भी इस चीज़ को आजकल झेल रहा हूँ, ये मसला है। ठीक है, ये एक दो प्रॉब्लम्स हैं कि जिनकी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिकल जो है ना वो अलग करो और जो उसकी थ्योरी है थोड़ी बहुत, जो थ्योरी मैंने पढ़नी पढ़ानी थी वो अभी अलग कर लो। इसके अंदर जो मुश्किल चीज़ें हैं वो सिर्फ आई थिंक ये ब्लॉकिंग वाला सीन है, नॉन ब्लॉकिंग और ब्लॉकिंग वाला सीन है और बस, और मेरा नहीं ख्याल कुछ और मुश्किल चीज़ें इसके अंदर। जावास्क्रिप्ट कैसे क्रिएट होती हैं, अलग फाइल्स बनती हैं, आई थिंक मुश्किल नहीं होना चाहिए यार इतना।
मैं बहुत एक ही चीज को बहुत ज्यादा डिस्कस भी कर रहा हूँ, बहुत लंबा लंबा हर चीज को अच्छा खासा एलाबोरेट भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा खैर आगे डिस्कस करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आप भी जो टॉपिक्स हैं ज़्यादा नहीं थोड़ा सा रहता है यार। देखो रोज़ा था मेरा भी, और अब रोज़े का मतलब मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा कि हम कुछ भी ना करें। अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी तुम लोग मतलब मैं भी रात से जाग रहा हूँ, मैं कल दोपहर का उठा हूँ, मैं भी कल सुबह तक, मैं भी यार कल सुबह का उठा हूँ, कल सुबह दोपहर का। अरे सर मैं भी सर मैंने भी उठना है जल्दी सुबह, लेकिन मैं क्या करूं, पढ़ना भी तो है ना यार, कौन गया छोड़कर, कौन कौन छोड़ के गया। चलो देखते हैं, छुट्टी ले लेते हैं बस, जो अभी हम यार इसमें क्या प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, वो बता रहे हैं कि दो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को एक करना है, नोड जेएस क्या होती है। अब मैं इसको प्रैक्टिकल में कैसे कर रहा हूँ, इसके प्रैक्टिकल में फिलहाल अभी नहीं करा। और ये एग्जाम्स में आएगी तो तुम लोग बोलोगे सर ने नहीं पढ़ाई। ये जो लोग बोल रहे हैं ना शादे, सच्ची बात बताऊँ वो बोल रहे हैं कि सर जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सर तुम सब लोग ही इस पर डिस्कस कर रहे हो, लेकिन कुछ उस लोग जो जो लोग बोल रहे हैं ना कि सर आप नहीं पढ़ाएं और ये चीज़ें छोड़वा दें, मैं लिटरली तो मैं लिख के दे सकता हूँ, मुझे यही लोग आगे बोल रहे होंगे कि सर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं, ये MCQs आ गए, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं था, ये मसला होगा। समझ रहे हैं मेरी बात, फिर क्या करें। चलो ठीक है, चलो ठीक है, यहीं पे रोकते हैं, आधे जो बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैंने तो वैसे भी वर्ड टेस्ट की वर्कशॉप रखनी थी, तुम लोग बोल रहे हो तो मुझे नहीं है, भाई आप लोग बता दें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, अभी पढ़ना है, चैट बॉक्स में लिख दें सब लोग, चैट बॉक्स में लिख दें भाई। चैट बॉक्स में लिख दें सब लोग ही, जिन जिनको अभी पढ़ना है वो लिख दें, जिनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है वो नेक्स्ट क्लास में लिख दें। भाई नेक्स्ट क्लास में मैंने वर्डप्रेस की वर्कशॉप लेनी है, तो ये सीन है। ये लोग कह रहे हैं भाई देख लो, मैं तो अभी एंड कर रहा था वरना। और भाई मैंने पिक्चर ले ली है उसकी, फोन से मैंने पिक्चर ले ली है उसकी, जितने लोग अभी हैं उनको प्रेजेंट कर देंगे, सिवाय एक ईशा के, क्योंकि उसका इंटरनेट खराब हो रहा था तो उसने पहले ही मुझसे कह दिया था, बाकी सबको एब्सेंट कर देंगे। जी जिसने भी किया, एक ईसा का इंटरनेट का मसला था, उसने मुझे पहले बता दिया था, बाकी सब के एक्सटेंड लगा देंगे। सही है यार, 3 4 से 5 पेजेस रह गए हैं इसके, और एक पेज तो समरी का ही होगा, मुश्किल से 3 4 पेजेस ही रहेगा। अच्छा, एक थ्रेड क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ थ्रेड इनवोक्स, ठीक है, तो एक थ्रेड क्या होता है, एक थ्रेड होता है जिसके अंदर मल्टीपल, अगर आप एक थ्रेड देखो ना तो एक धागा होता है, एक धागे के अंदर क्या होता है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। अगर लेट से एक धागा कहीं शुरू होता है, तो मैं कहता हूँ ये एक धागा जो होता है, या जो जो भी एक थ्रेड की बात करें, यहाँ पे एक थ्रेड अगर एक धागे से आप लेट से मुमासलत रखना चाहो या उसको रेलिवेंसी देना चाहो, तो वो इस तरह से आप रेलिवेंट कर सकते हो कि एक थ्रेड क्या करता है, अपने आप को कनेक्ट करता है किसी पिछले काम से, यानी आपकी एक फाइल है ठीक है, उसमें एक फंक्शन चल रहा है, अब वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन जो वैल्यू दे रहा है ना वो एक दूसरी फाइल से ले रहा है, और वो जो वैल्यूज हैं, वो जो वेरिएबल हैं, वो जो इस फंक्शन में वेरिएबल्स वैल्यूज दे रहे हैं,
वो वेरिएबल्स खुद वैल्यूज ले रहे हैं किसी और जगह से, यानी किसी और एचटीएमएल की फाइल से, किसी भी और सोर्स से। तो वो क्या होता है, मिलकर एक थ्रेड बनाते हैं, ठीक है, जो आपस में कनेक्टेड होता है। तो जब एक थ्रेड इन्वोक करता है, ठीक है, ऑपरेशन सच एज रीड और राइट, इस तरह का कोई थ्रेड कि जो कि कहीं से वैल्यूज ले रहा है, ठीक है, रीड और राइट का, देन सच ए थ्रेड रिमेन ब्लॉक्ड, वो थ्रेड रुक जाता है, यानी वो जो फंक्शनलिटी वो भी रुक जाएगी जब भी कोई थ्रेड इन्वोक हो रहा है। और अभी उसके अभी क्या हो रहा है, उसके अंदर फंक्शनलिटी चली रीड और राइट की, तो क्या होगा, वो थ्रेड वहीं पर रुक जाएगा, वो फंक्शनलिटी अभी वहीं रुक गई। और पहले रीड और राइट पे जो फंक्शन है ना, पहले ये कॉल हो जाएगा रिस्पेक्टिव, और फिर क्या होगा, उसके बाद वो जो थ्रेड है वो मुकम्मल जो अपनी फंक्शनलिटी है, जो बकिया जो उसका फंक्शन बचा था, वो अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा, वो कैरीड आउट होगा, ठीक है। हियर द थ्रेड रिमेंस एंगेज्ड अंटिल सम डेटा इज रीड और अंटिल राइट, यानी डेटा जो होगा, जो थ्रेड होगा वो एंगेज होगा, जो पिछली फंक्शनलिटी, जो ये फंक्शनलिटी कहीं और से वैल्यूज या कहीं और से फंक्शन कहीं से ला रही है, वो क्या होगी, उस टाइम तक एंगेज रहेगी, वो अभी कनेक्टेड रहेगी एक दूसरे से, ठीक है, वो अनकम्प्लीटेड रहेगी जब तक जो मेरे रीड और राइट के फंक्शन थे वो कंप्लीट ना हो जाए। तो ये जो थ्रेड है, अगर ऐसे फंक्शन, ठीक है, और लेट से इवन जो रीड और राइट वाले फंक्शन है, ठीक है, अगर ये सही से इन्वोक नहीं होते, यानी सही से नहीं चलते, तो क्या होता है, फिर जो थ्रेड है मेरा वो सही से एंगेज नहीं कर पाता, और वो थ्रेड जो होता है वो वहीं पे टूट जाता है, यानी वो समझो जो फंक्शन है वो आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, और फिर एक्सेप्शन आती हैं, ठीक है, या एक्सेप्शन या एरर्स आते हैं, इस सूरत में एरर्स आते हैं कि वहां पर आपको प्रॉब्लम ये फेस करने को मिलती है कि आपकी फाइल नॉट फाउंड होती है, या तो होता है कि आपका मैसेज या फंक्शन जो होता है वो क्रैश कर जाता है, ठीक है, तो आधा डेटा अलर्ट से आधा मैसेज चलता है और आधा मैसेज उसके बाद क्रैश हो जाता है, ठीक है, आपकी फाइल्स क्रैश होना है, उसकी जो उसका एरर होता है, उसका जो सिले में आपको मिलता है वो फाइल्स का क्रैश होना मिलता है, ठीक है। और नॉन ब्लॉकिंग क्या होती है भाई, नॉन ब्लॉकिंग इससे पहले भी देख चुके हैं, नॉन ब्लॉकिंग क्या कर रही होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, नॉन ब्लॉकिंग इन जावास्क्रिप्ट मीन्स दैट द रिक्वेस्ट फॉर द इनपुट एंड आउटपुट हैज बीन मेड एंड विल बी प्रोसेस्ड वंस द रिसोर्स आर सीड, जो रिसोर्सेज है, लेट्स से अभी कंपाइलर क्या कर रहा है, अभी कंपाइलर कोई और फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और कंपाइलर जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, अच्छा ये जो टॉपिक्स है ना, लेट्स से ये अभी मैं रिसोर्स वाली बात कर रहा हूँ, कंपाइलर वाली बात कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली इसलिए भी करके नहीं दिखा सकता क्योंकि ये इतनी कम टाइम में हो रहा होता है कि मैं आपको डिफाइन ही नहीं कर सकता, यानी मेरी पलक भी जो चपकती है ना, वो शायद कम ज़्यादा टाइम में चपकती होगी, ठीक है, आप शायद उसका टाइम, अपनी पलक चपकने का टाइम जो ना आप नोट कर सकते हो, लेकिन आप शायद इस कंपाइल करने का टाइम ना, ये पता नहीं सेकंड के हज़ार में हिस्से में हो रहा होता है, तो इसलिए हम ये जो टाइम है ना वो बता ही नहीं सकते, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा ही नहीं सकता। ये चीज़ें ना, आज ब्लॉकिंग हो गई, नॉन ब्लॉकिंग हो गई, ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये प्रैक्टिकल में करके ऐसे कुछ दिखा नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर वो जो कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं वो उनके दौरान जो अमल जो चीज़ें हो रही हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, सही है। तो इसलिए बेसिकली मेरा मकसद था कि अलग से एक क्लास हम रखें सारी चीज़ों के ऊपर। इफ देयर इज अ स्क्रिप्ट, अच्छा तो हमने बात की कि जो इनपुट और आउटपुट के जो फंक्शन है, नॉन ब्लॉकिंग जो है, नॉन ब्लॉकिंग क्या होती है, नॉन ब्लॉकिंग जब तक ये इनपुट और आउटपुट एक मरतबा, यानी जो आपकी रिसोर्स है, जो कंपाइलर है, अभी वो फ्री हो गया अपनी पिछली फंक्शनैलिटी से, फिर क्या होगा, आपका जो इनपुट और आउटपुट का लेट से फंक्शन अगर अभी आया है बीच में, ठीक है, आपकी कोड के अंदर, तो क्या होगा, फिर वो कॉल हो जाएगा, सही है। देयर इज अ स्क्रिप्ट दैट इज ब्लॉकिंग द पेज विल नॉट रेंडर द ऑपरेशन अंटिल द स्क्रिप्ट is fully downloaded, parsed और executed, ठीक है। तो अगर बात करें, अगर कोई स्क्रिप्ट है जो कि ब्लॉकिंग है, ठीक है, तो पेज ना रेंडर नहीं होगा जब तक वो फुली डाउनलोड ना हो जाए, क्योंकि उसके अंदर क्या था कि कोई इनपुट आउटपुट का फंक्शन जब तक नहीं चलेगा, जब तक फाइल जो है, या पहले जब तक इनपुट आउटपुट कम्प्लीट नहीं होंगे, फाइल आगे नहीं बढ़ेगी, तो जब तक वो पूरे कम्प्लीट नहीं हो जाता तब तक ब्लॉकिंग जो आपका पेज है वो रेंडर भी नहीं होगा। जब तक वो पार्स नहीं हो जाता, पार्स का मतलब होता है कन्वर्ट करना, हमने इन डॉट पार्स पढ़ा था, ठीक है, सॉरी हमने, हाँ बिल्कुल, इन डॉट पार्स पढ़ा था, पार्स इन पढ़ा था, सॉरी हमने पार्स इन पढ़ा था, इन डॉट पार्स तो उसी साथ में, तो पार्स इन पढ़ा था हमने, ठीक है। अब पार्स इन का क्या सीन है, पार्स इन जब तक इस तरह के जो मैसेज होते हैं, जो डेटा की कन्वर्जन के लिए यूज़ करे, जब तक इस तरह के मैसेज कंप्लीट ना हो जाए अपनी एग्जीक्यूशन करना, और मेरा कोड जब एग्जीक्यूट ना हो जाए, जब तक क्या होता है, पेज रेंडर नहीं होता, ठीक है। When an external script is loaded using a script tag, the load time required is far more than expected. जब external script load किया जाता है script के tag के through, तो जो time होता है loading का वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी अगर एक वक्त था एक सेकेंड का हज़ारवां हिस्सा, तो अब क्या होगा, सेकेंड का दसवां हिस्सा हो जाएगा, time बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक remarkable time के अंदर difference आता है।
अच्छा जी, अंडरस्टैंडिंग नॉन ब्लॉकिंग आई यू इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अ नॉन ब्लॉकिंग इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन इनेबल्स अ थ्रेट टू आस्क एंड रीड डेटा फ्रॉम अ सर्टेन चैनल, ठीक है। तो जो इनपुट और आउटपुट का नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन होता है, ये क्या कर रहा होता है, आपका जो ये क्या कर रहा होता है, आपको इनेबल कर रहा होता है कि आप क्या करो, किसी भी थ्रेट को, वो जो मैं किसी भी फंक्शनलिटी की बात कर रहा हूँ, वो क्या कर सके, डेटा को रीड और राइट कर सके, आस्क कर सके और लेट से राइट वगैरह कर सके थ्रू किसी भी चैनल या किसी भी सर्टेन चैनल के। इन केस ऑफ फ्रंट एंड, डेटा इज रीड फ्रॉम दी इवेंट लूप। अगर फ्रंट एंड है तो जो इवेंट हम बना रहे होते हैं जिससे हम यूजर से बस डेटा लेते हैं और उसको बस वेरिएबल्स के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू बस वहीं वहीं पे सेव करते हैं, तो क्या होता है, आसानी हो जाती है और डेटा वहीं वहीं पे ज्यादा से ज्यादा शो हो रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा डेटाबेस के थ्रू हो रहा होता है तो फिर तो खैर डिफरेंट फंक्शंस के थ्रू और डिफरेंट जो सोर्सेज होते हैं उनके थ्रू आ रहा होता है, ठीक है। इवेंट लूप स्पीड अप दी प्रोसेसिंग टाइम, जो इवेंट लूप होता है वो प्रोसेसिंग की टाइम जो होता है वो प्रोसेसिंग का जो टाइम होता है वो बढ़ा रहा होता है, ठीक है। इम्प्रूव दी टाइम रिक्वायर्ड टू रीड एंड राइट डेटा एंड इम्प्रूव एरर हैंडलिंग, बिल्कुल इवेंट लूप ये कर रहा होता है। अगर आप कोई सही काम कर रहे हो, ठीक है, आप किसी चीज को थ्रू प्रॉपर चैनल काम कर रहे होगे अपने कोड को, तो क्या होगा, वो जो आपका पूरा एक इवेंट लूप बन जाएगा वो क्या करेगा, एरर हैंडलिंग के अंदर आपकी प्रॉब्लम जो है करेगा, आप बहुत आसानी से अपने एरर्स को जो है हैंडल कर पाओगे, उनको बहुत आसानी से हल कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप एक प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो, ठीक है। आपका कोड ऐसा नहीं है कि कोई इस कोड का आधा हिस्सा यहाँ रखा हुआ है, आधा हिस्सा 500 लाइन के बाद है, आधा हिस्सा यहाँ पर है, आधा हिस्सा जो है वो दूसरे फंक्शन के बाद लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से करोगे तो हाँ फिर आपको प्रॉब्लम फेस करने को आएंगी, सही है। अच्छा जी, नॉन ब्लॉकिंग जो अप्रोच है ऑपरेट एसिंक्रोनसली, यानी इसके अंदर क्या होता है, पूरे पूरे पेजेस लोड होते हैं। एमसीक्यूज आता है, द नॉन ब्लॉकिंग अप्रोच ऑपरेट सिंक्रोनसली एसिंक्रोनसली, ठीक है, और यूजेस कॉल बैक फंक्शन और नन ऑफ द अबव, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ये थ्योरी कवर कर रहा हूँ। क्रिएटिंग नॉन ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो एम्बेडिंग एसिंक्रोनस स्क्रिप्ट इन सी और इन जावा नीड थ्रेड। अच्छा, अभी सी और जावा की बात अगर करें ना, जाने दो, ठीक है, मैं दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगा ये। एम्बेडिंग एसिंक्रोनस स्क्रिप्ट सी के अंदर और जावा स्क्रिप्ट के अंदर, थ्रेड मांगते हैं, यानी थ्रेड का मतलब वही कि फंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट और सी के अंदर ही मांगते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट वगैरह पे डील नहीं कर रही होती, जावा और सी भी, जावा तो कर रही होती है, सी डील नहीं कर रही होती क्योंकि सी सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और बिल्कुल एक बेस लाइन की लैंग्वेज है, बहुत बेसिक सी लैंग्वेज है। नॉन ब्लॉकिंग और एसिंक्रोनस स्क्रिप्ट ऑफर द बेस्ट एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा एडवांटेजेस दे रही होती है क्योंकि इसके अंदर इनपुट और आउटपुट का जो सारा ध्यान है वो रखा जा रहा होता है, ठीक है, इन ऑपरेशंस को भी देखा जा रहा होता है। कंसिडर एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दी फंक्शनल फ्लो ऑफ नॉन ब्लॉकिंग स्क्रिप्ट। तो देखो, स्टार्ट हुआ इनपुट, ठीक है, इनपुट गया किसके पास, इनपुट गया मेरे पास टू समथिंग एसिंक्रोनस, ठीक है। इसने क्या किया, कॉल बैक के थ्रू डेटा को कलेक्ट किया, ठीक है, और अनदर फंक्शन में गया। अब ये देखो थ्रेड्स बन रहे होते हैं, एक फंक्शन से इनपुट के फिर एक फंक्शन में गया, देन मल्टीपल फंक्शन में गया, ठीक है। तो नॉन ब्लॉकिंग क्या कर रही होती है, बीच बीच में इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट कर रही होती है, बस एक सोर्स पूरी हो जाए। ये डू समथिंग अ थिंग, तो ये इनपुट है ना, ये कोई भी सेंटेंस मैंने दिया है इनपुट के तौर पे, जैसे हम हेलो वर्ल्ड कह रहे हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या होता है, आप क्या करते होते हो, आप मल्टीपल, देखो ये थ्रेड चल रहा है ना पूरा, ये एक फंक्शन में, देन ये फिर एक और एक फंक्शन में चल रहा है, ठीक है, फिर एक और देन अलग अलग फंक्शन में जा रहे हो, फिर एंड। लेकिन बीच बीच में क्या हो रहा है, जैसे ये वाली सोर्स पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, तो क्या हुआ, ये वाला मेरे पास जो इनपुट या आउटपुट है ये एग्जीक्यूट हो गया, देन ये वाली सोर्स प्रिंट हुई तो ये इनपुट फिर एग्जीक्यूट हो गया, देन ये वाली सोर्स जब प्रिंट हुई तो ये वाली सोर्स, यानी जो मेरा ये वाला आउटपुट है वो लेट से प्रिंट हो गया। अभी तो मैं फिलहाल प्रिंट की बात करूंगा क्योंकि यहाँ पर उसी तरह से डिस्कस किया हुआ है, तो ये प्रिंट हो गया, सही है। तो नॉन ब्लॉकिंग ये कर रही होती है। अच्छा, फिर नॉन ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट जो है वो किस तरह से क्रिएट हो रही होती है वो देख लो, ठीक है। सिंगल थ्रेडिंग हो गया, सिंगल थ्रेडिंग क्या करी होती है, जावास्क्रिप्ट एंड नोड जेएस आर सिंगल थ्रेड एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी एक फंक्शन को लेके चल रहे होते हैं और इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, आप उस एनवायरनमेंट के थ्रू चल रहे होगे, एक कोई चीज़ आई होगी, अब देन वो रिसोर्स पूरी होगी, फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट थ्रेड पे जाओगे, नेक्स्ट
सेक्शन ऑफ कोड के ऊपर डालोगे, ठीक है। इसके अलावा सिंक्रोनस फंक्शंस क्या होते हैं? सिंक्रोनस फंक्शंस आर कंसर्न्ड ईच स्टेटमेंट कंप्लीटेड द टास्क बिफोर द नेक्स्ट स्टेटमेंट। यानी इसमें क्या होता है, अगर आप फंक्शन बना रहे हो तो पहले एक फंक्शन कंप्लीट होगा, देन उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट फंक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। इस तरह से एक आप सिंक्रोनस को कंप्लीट कर सकते हो। और एसिंक्रोनस क्या होता है, यानी इसके अंदर क्या होगा, आपने पेज को बटन पे क्लिक किया तो पूरा पेज लोड होगा सिंक्रोनस के अंदर, फिर देन नेक्स्ट चीज होगी। और एसिंक्रोनस के अंदर क्या होगा, एसिंक्रोनस टास्क कैन बी कॉल्ड ऑन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड कैन ऑल्सो पुट असाइड व्हेन डेटा और कॉल इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो क्या होंगे, तब मिलेंगे, तब असाइन होंगे जब डेटा अवेलेबल होगा, तभी चलेंगे। और ये चेक कर लेंगे, अगर आपने रिक्वेस्ट की तो भी ये चलेंगे नहीं, ये पहले चेक कर लेंगे पीछे डेटा आप मंगवा रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो वो पॉसिबल है, अगर वो पॉसिबल होगा तो ये चल जाएंगे। तो मैम मैं कुछ कह रही हैं आप, एंड डेट किया आपने, नहीं कह रही सर। नॉन ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर ही इवेंट लूप भी बता दिया इन्होंने, ठीक है। ऑर्डर ऑफ टास्क जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन और एक्सेप्शन ऑफ अ लॉन्ग रनिंग स्क्रिप्ट, तो ये भी थोड़ा सा बता रहे हैं कि जी मैक्सिमम स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उनके जो काउंट है, ठीक है, किसी भी सर्टेन ब्राउजर के ऊपर जब जावास्क्रिप्ट का कोड रन होते हैं तो उसको हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए सब कुछ यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर आपकी सेशन की जो है वो समझी आ गई, चाहो तो रीड कर लो वरना मुझे बता दो, मैं जो सेशन को एंड कर दूँ। रीड कर लो सेशन को, मुझे बता दो अगर बस बनाओ तो मैं एंड कर लूँ। नेक्स्ट क्लास में हमने वर्डप्रेस की वर्कशॉप का सीन करना है, वर्डप्रेस की वर्कशॉप करनी है, ठीक है। और उसके वर्डप्रेस क्या होता है, आयान पूछ रही है, वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस जैसे कि सीएमएस बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है। उमर तुम्हें पता है वर्डप्रेस क्या होता है? चलो, वर्डप्रेस एक सीएमएस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको नहीं एचटीएमएल बेस्ड नहीं है, एचटीएमएल सीएसएस भी काम होती है उसके अंदर, यानी उसके अंदर होते हैं एचटीएमएल सीएसएस भी, बट आप क्या कर सकते हो विदाउट कोड डिजाइन कर सकते हो। वेबसाइट बनती है, बिल्कुल थीम्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, कस्टमाइज कर सकते हो उनको। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, टीम्स वहाँ पे अवेलेबल भी होती हैं, सारी नहीं करनी पड़ती यार, आप अपनी मर्जी की आप यानी बाय भी करनी पड़ती है, लेकिन देखो जब आपका जो मार्केट है, आपका जितना भी काम है, जब जाहिर उसका स्केल ऊपर जाएगा तो फिर तो आप बाय कर सकते हो मेरे ख्याल से, उस टाइम पे आपको इतना इशू नहीं आता। अभी तो आप ये सोच रहे हो कि सर बाय करनी पड़ती है और इतनी प्रॉब्लम वाली बात है,